नमस्कार, आप देख रहे हैं कि 24 न्यूज में हूँ आपके साथ वंशिखा नागर। सोना इस समय चुनावी रण क्षेत्र बना हुआ है। परिषद प्रधानी पद का चुनाव सीधे होने से चुनाव का माहौल भी पूरी तरह से गर्माया हुआ है। बुधवार को तीसरे दिन सोना में 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सोना परिषद में कुल 21 वार्ड है और हर वार्ड से कई कई प्रत्याशी पार्षद पद के चुनाव के लिए मैदान में कूदे हैं। प्रधान व पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले कार्यालय में NOC लेने के लिए जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि 3 जून को उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने आ सकते हैं। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वही SDM कार्यालय को चुनावी कार्यालय बनाया हुआ है। आज नामांकन का तीसरा दिन था तो टोटल 7 नॉमिनेशन आए हैं। वार्ड नंबर 17 से मिस्टर सचिन कुमार, 9 से महेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 18 से सुनीता देवी, वार्ड नंबर 3 से मनोज कुमार, वार्ड नंबर 15 से राजकुमार और वार्ड नंबर 15 से ही अनिल गोयल ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। और कल क्योंकि गजटेड हॉलीडे है, कल नामांकन नहीं लिए जाएंगे। अब शुक्रवार और शनिवार को नामांकन दाखिल करने के 2 दिन बचे। तो इसमें चेयरमैन पर्सन भी है जो उम्मीदवार नहीं, आज के जो जितने भी हमारे जो नामांकन दाखिल हुए हैं वो वार्ड वाइज पार्षद के लिए है, चेयरमैन का कोई नामांकन दाखिल नहीं। सर जो 2 दिन रह जाएंगे अलग व्यवस्था की जाएगी जैसे काफी भीड़? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर काफी नामांकन आने की उम्मीद है, तो हम थोड़ा सा इसको जो टेबल्स हैं इनको बढ़ाया जाएगा टेबल्स को, और AR को भी नामांकन प्राप्त करने के लिए बैठाया जाएगा।